एक शेड सॉन्ग में गाऊंगा अपने मन का, शायद आप लोग को अच्छा लगे। लेकिन उससे पहले गाना, कौन गाना सुना दी बताओ लो। फुलल फुलल फुलाओ ना, नींबू खरबूजा। चुम्मा चुम्मा उसकी रिकॉर्डिंग डांस कर दूंगा। हाँ, क्योंकि अब लड़की नहीं है ना साथ में गाने वाली। अब शिल्पी होती तो शायद उसके साथ परफॉर्म कर देता, बट उसका मैं आप लोग का डिमांड पूरा कर दूंगा। वो एक गुल्लू गुल्लू गाल और नींबू खरबूजा, तीन रिकॉर्डिंग कर दूंगा, चलेगा ना? हाँ, लेकिन सोमिया आई है, अगर उसके साथ नहीं करूंगा तो नौइंसाफी हो जाएगा। तो एक मैं सैड सॉन्ग ही इसके साथ गाऊंगा, चलेगा? क्योंकि मैं पहली बार सोमिया के साथ सैड सॉन्ग ही किया था, तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत अगर सैड सॉन्ग से हुई है तो फिर से शुरुआत सैड सॉन्ग से ही हो। लेकिन इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आपको रुलाऊंगा नहीं, बस आप मेहनत करते रहो। पूरी दुनिया क्या कहती है, क्योंकि कहने वाले तो अच्छे भी करोगे तो नहीं कह पाएंगे। जिंदगी में हर आदमी, हेलो, जिंदगी में हर आदमी को प्रूफ करना मतलब बेवकूफी है। जब हमारी शादी हो जाती है और जब हम अपने पत्नी को मानने लगते हैं तो अपने माँ बाप के नजर में बुरे हो जाते हैं। लेकिन अगर पत्नी को छोड़ के माँ बाप को मानने लगते हैं तो पत्नी के नजर में बुरे होते हैं कि इसको तो अपने माँ बाप से ही प्यार है, मुझसे नहीं। तो इस दुनिया में सबको प्रूफ करना कोई मतलब है नहीं। आप अपने बेहतर करते रहो, जिसको आपको समझना होगा वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझना होगा समझा के समझाने का मतलब नहीं है। और समझदार से समझदारी करना बेवकूफी है। जिंदगी में रिश्ते निभाने के लिए एक बड़े आदमी को क्या से क्या करना पड़ता है, शायद ये मैं महसूस कर चुका हूं। मेरे हर वो रिश्ते मुझे तभी टॉर्चर करते हैं जब ये पूरी दुनिया टॉर्चर करती है, क्योंकि मैं अगर बुरा होता हूं तो सिर्फ दुनिया के नजर में नहीं बल्कि अपने फैमिली के नजर में भी बुरे हो जाता हूं। तो जिंदगी में जो भी आदमी बड़ा हुआ है ना, बड़ा जब हुआ है तो उसके साथ कोई नहीं था। भैया अन्नू, अन्नू भाई, थैंक यू अन्नू, थैंक यू। सीखते हो तो ये 500 अपने पास रखो पगले, बहुत तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत है, पैसे की जरूरत नहीं। तो जिंदगी में आप कहते हो ना, मैं गरीब था और बहुत गरीब था, पढ़ा नहीं। किताब पढ़ने वाले लोग शब्द के साथ चलते हैं, लेकिन जिंदगी पढ़ने वाले लोगों के साथ शब्द चलता है। ये दुनिया का दस्तूर है। किताब पढ़ने वाले हमेशा आपको ज्ञान की बात बताएंगे, ऐसे मत करो, ये हो जाएगा, यहाँ ये लिखा था। बट जिसने अपनी जिंदगी को गरीबी से पढ़ा है, लड़ा है, उसके साथ शब्द चलते हैं। राम के साथ शब्द चले थे, शब्दों के साथ राम नहीं। कृष्ण के साथ शब्द चले थे, शब्दों के साथ कृष्ण नहीं। इस दुनिया का दस्तूर है, आपके यहां से ही निकल के गौतम बुद्ध की ज्ञान किताब में होती तो आज दुनिया का हर आदमी ज्ञानी हो जाता। ज्ञान एक पीपल के पेड़ के पास भी है, जो गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के पास भी भगवान बन गए। क्योंकि ज्ञान कहीं बंटता नहीं, ज्ञान अर्जा दाता है, अर्जना पड़ता है। आप किसी को समझ के, इस दुनिया में दर्द अगर आपको 20 बीमारी हो जाए ना तो आप ऐसे ही डॉक्टर बन जाओगे, 20 बीमारियों का दवा जान के डॉक्टर बन जाओ। और ये बीमारी है क्या? मुसीबत। एक महान इंसान को, एक छोटे से इंसान को महान कैसे बनता है? वो कष्टों से बनता है। दुनिया का हर वो पेड़ अपने लिए नहीं फरता, दुनिया का हर वो मर्द अपने लिए नहीं कमाता, दुनिया का हर वो वस्तु अपने लिए कभी होता ही नहीं। ये कपड़ा अपने लिए नहीं बना है, ये खेसारी के लिए बना था। तो सबकी अपनी अहमियत है। दुनिया ने बहुत कुछ सिखा दिया, मैं पढ़ा बहुत कम, लेकिन लड़ा इतना हुआ कि पता नहीं, अब दर्द भी कहीं लगता है, चोट भी लगती है, तो दर्द का एहसास ही नहीं होता यार। क्योंकि मुझे एक ही ने नहीं, मेरे अपनों ने भी मुझे बहुत तड़पाया।
जो मेरे अपने थे वो भी तड़पाते हैं, तड़पाए हैं, तड़पाएंगे। ये उनका दस्तूर है, क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे बांटना नहीं चाहते, इसलिए मुझसे नफरत करने लगते हैं कभी कभी। और मैं जब किसी का हो जाता हूं तो उनको लगता है कि शायद मेरा होगा कि नहीं। तो जिंदगी है, लड़ो। गरीबी सबसे बड़ी ताकत है। गरीब बने हो, गरीब पैदा हुए हो, लेकिन बनना अमीर बन के, मरना तो अमीर बन के मरना, ये सबसे बड़ी अवसर है आपको पास कि आप गरीब पैदा हो गए, बन जाओ। खेसरिया गरीब पैदा हुआ था, लेकिन आज करोड़ों दिल पे राज करता है। मेरे पास संपत्ति कितनी है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि संपत्ति मैंने बेटे के लिए कमाई, मैंने खुद के लिए नहीं। आज खेसारी लाल यादव के ये कपड़ा जो पहना होना, ये भी किसी का खरीदा हुआ है, मेरे पैसे नहीं लगते। मैं पान खाता हूँ, पान के भी पैसे दूसरा कोई देता है। जूता पहनता, इस जिंदगी में मेरे एक रुपये का खर्चा नहीं, लोगों का प्यार मुझे मिलता है। और दुनिया में मैं सबको आज एक बड़ी सीख बता के जा रहा हूं, किसी से लड़ना मत, बेटे के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए। जिंदगी में कोई किसी का नहीं है। बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, जिंदगी मौत की हो जाएगी, शरीर शमशान का हो जाएगा, और लास्ट में निधन लिखा जाएगा। तो जब कोई किसी का हैये नहीं है, तो लड़ना किसके लिए यार? मैं नहीं लड़ता, मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, मैं हंसता हूं, क्योंकि ठीक है यार, वो लड़ती है, उसकी आदतों में लड़ना है, लड़ रही है, मैं मेरी आदतों में नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हंसता हूं। कोई जरूरी नहीं कि मैं उसका जवाब दूं। मेरे पापा मुझे डांटते हैं, उनका कर्तव्य है, उनका काम है डांटना, डांटने दो। तो बर्दाश्त करना सीखो जिंदगी में, उससे बेहतर खूबसूरत जिंदगी नहीं होती। और उस शब्द में उतनी ताकत नहीं कि हमारी बीवी से हमको अलग कर दे। हमारी बीवी का प्यार हमारे लिए बहुत बड़ा है। उस शब्द में उतनी औकात नहीं कि दो गालियां हमारी बीवी से हमको अलग कर दे, हमारे माँ बाप से अलग कर दे, और आप सबके प्यार से अलग कर दे। तो शब्दों की अहमियत कभी मत देना, अपने रिश्तों की अहमियत देना, अपनी माँ की अहमियत देना, अपने पिता की अहमियत देना, समाज की अहमियत देना, इंसान की अहमियत देना। शब्दों की गरिमा नहीं होती है। बोलने का तरीका गलत हो जाता है, वो शब्द गलत हो जाता है। नहीं तो हम किसी को अपने किसी साले को ही गाली रहा रे खा रे बहन बोलते हैं ना, लेकिन उसी को हंस के बोले तो उसको मजाक लग गया, लेकिन उसी बात को कार रे बहन वो सीरियस अगर हो गया ना तो पता चला वो गाली बन गई। तो हंस के जवाब दोगे तो दुनिया का हर वो शब्द खूबसूरत हो जाएगा। अगर उसी को गुस्से में बोलोगे तो दुनिया का अच्छे से अच्छे शब्द भी बुरा हो जाता है, बोलने का शैली बुरा होता है।